हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज कविता चौधरी। आई होप आप प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और अभी आप देख सकते हैं ये मेरा रूम, मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे अपने ननिहाल से। कितने दिनों के बाद, पूरे 15 दिनों बाद में आई हूँ मैं। तो मतलब मैं परसों आ रही थी और मैंने ये व्लॉग यहाँ पर आके इसलिए शूट किया है, मतलब वहाँ पर भी मैंने शूट किया था बट वो मैं एडिट कर रही थी और मेरा सारा डिलीट हो गया। मतलब मम्मी से बातें करते करते मैं थोड़ा एडिट कर रही थी, इसलिए वो सारी क्लिप्स मेरे से डिलीट हो गई एक साथ में की पूरी ही। इसलिए मैं यहाँ पर आके शूट कर रही हूँ। तो मैं परसों आ रही थी, मेरी पैकिंग जो की हुई थी उसके बाद में बारिश आ गई थी। उसके बाद में एक दिन बाद में वो क्या वार अच्छा नहीं था, तो नानी ने वैसे नहीं भेजा मेरे को कि नहीं वैसे वार अच्छा नहीं है, फिर मैं आ जाई। मतलब फिर हाँ, फिर कल आ रही थी मैं, तो कल इतनी तेज़ बारिश हो गई, इतनी तेज़। मतलब मैंने पापा जी को बोला कि मेरे को लेने के लिए भेज दो, पहले बोला कि मैं अरुण को भेज रहा हूँ या फिर हम में से कोई आ जाएगा, हंसु या फिर मैं, फिर कोई नहीं आ पाया। मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई कल की, इतनी बहुत ज़्यादा तेज़, इसलिए फिर आ ही नहीं पाए। फिर आज रात को इतनी बारिश हुई वहाँ पर, यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रखी है वैसे, इधर हमारे गांव में ज़्यादा है एक्चुअली वहाँ ननिहाल से। तो रात को वहाँ पर भी इतनी बारिश हुई, मतलब इतनी तेज़ बिजलियाँ वगैरह, बहुत ही तेज़। मतलब मैं 12 बजे उठी रात को, मैं खिड़की कैसे लगी तो मैं, मामी जी मैं क्या बारिश आ गई बहुत तेज़, मैं क्या हमारे कपड़े वो तो हमारी नदी में बह जाएंगे। मामी बोलती मेरे को डर लग रहा बिजली से, वैसे भी डर लगता मेरे को, बोलती तू तो अंदर जाके घुस जा, रह जाएगी अंदर, कपड़े उड़ जाने दे, उड़ रहे हैं। तो फिर मैंने सुबह उठ के देखे हमारे कपड़े सारे के सारे मिट्टी के अंदर धस रखे थे, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई थी। फिर सुबह मैंने उठ के देखा, सुबह और बारिश हो रही। भाई मैं क्या, ये इंद्र देवता मेरे को घर नहीं भेजना चाहते क्या अपने? मतलब बारिश रुकी नहीं रही है, जब भी मैं प्लान बना रही हूँ कि हाँ आज मेरे को घर जाना है, फिर से बारिश हो रही है। फिर सुबह और बारिश हो रही, फिर मैंने पापा जी को फ़ोन करके बोला आप बारिश रुकते ही आ जाना मेरे को लेने के लिए, बोला ठीक है। फिर मैं दोपहर में कॉल के करके और पूछा, तो पापा जी बोले नहीं मैं तो नहीं आ रहा अब, मैं तो कल आ रहा हूँ। मैं क्या पापा जी आज आ जाऊँगा वरना तो मैं पैदल आ जाऊँगी सीरियसली। मतलब रास्ता तो मेरे को वैसे भी मालूम था, मैं क्या आ जाओ आप, मेरे को नहीं पता, मेरे को गांव आना है। नानी जी बोल रही मेरे को कितनी ज़िद्दी है, मतलब दिन में 10 बार ही कॉल करके पूछ रही है कि कब आओगे कब आओगे। मैं क्या, मैं तो ऐसी हूँ अपने पापा की ज़िद्दी वाली बेटी, छोटी जो हूँ अपनी ज़िद तो करूँगी, छोटी है तू। तो फिर अभी मेरे को फिर हंसू लेकर आया मेरे को दोपहर में 1 बजे, और अभी बज रहे हैं 4:30। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, हम बातें करने लग गए। फिर मेरी मम्मी और पापा जी मेरे को बोल रहे तू वहाँ पर जाके थोड़ी सी मोटी हो गई, हाय हाय मच्छर काट लिए मेरे को। मैं उधर गई थी मतलब मम्मी के पास, उधर मम्मी और गीता काम कर रहे थे इसलिए मेरे को मच्छर काट लिया। तो अभी करेंगे कपड़े चेंज। मतलब अपना घर तो यार अपना घर ही होता है, अपने घर की तो वाइब ही अलग है, मतलब सुकून शांति तो मतलब कहीं पर भी चले जाओ अपने घर में ही मिलती है, चाहे किसी के भी घर पे चले जाओ अपना घर तो अपना घर ही होता है क्या। तो अभी मैं करूँगी कपड़े वपड़े चेंज, उसके बाद मैं थोड़ा आराम वाराम करेंगे। ओके आपसे मिलते हैं फिर शाम को। और फिर मेरी फ्रेंड भी आ रही थी एक, मतलब वो आज आ रही थी, बोला कि मैं आज आ रही हूँ, मैंने उसको मना कर दिया कि क्यों आ रही। गीता बोल रही पता नहीं कविता तो कब आएगी इसलिए तो आ जा, मतलब वो मैंने पहले आपको बताया था कि वो आ रही थी फिर आ ही नहीं पाई, फिर वो ससुराल जा रही थी तो मतलब अभी तक गई नहीं है, बोला कि मैं 1-2 दिन में ससुराल जाऊँगी, तो सोचा पहले तेरे से मिल के जाऊँ। मतलब कितने दिन हो गए हमें अभी तक हम नहीं मिले, मैं क्या आज रुक जा तू, मैं आ रही हूँ घर पर, उसके बाद में तू कल आ जाना। बोला ठीक है कल पक्का आ जाना, उसके बाद मैं 1-2 दिन में अपने ससुराल चली जाऊँगी। तो बोला ठीक है, तो फिर वो कल आएगी, मैंने उसको मना कर दिया। मैं क्या यार इतने दिन हो गए मैं मुझे वेट करते हो, मैं हूँ ही नहीं अपने ननिहाल पे, वो तू आके चली भी जाएगी अपने घर मतलब अपने ससुराल में, क्या रुक जा 2 दिन, मतलब मैं आ रही हूँ आज, उसके बाद में ही तू आ जाना। बोला ठीक है, तो वो आएगी अभी कल, उसके बाद में मिलते हैं आपसे गाइज। ओके फिर मैं अपनी ड्रेस देखूँगी जो मेरे लिए पापा जी लेके आए थे हरियाणा से, पहले मैं वो देखूँगी। गीता ने तो अपनी सिल्क पहन भी ली, देखते हैं फिर कैसी ड्रेस लेके आए मेरे पापा जी मेरे लिए। मतलब पापा जी हमारे लिए चीज़ें अपने आप ही ले आते हैं, हमें वीडियो कॉल पे दिखा के, चॉइस अच्छी है मेरे पापा जी की, तो बाद में देखेंगे क्या। और अभी मैं सुबह खाना खाया था मैंने, इसलिए मेरे को भूख लग गई, तो मैं खाना खाऊँगी।
मम्मी और गीता कर रहे हैं उधर काम। किसकी सब्जी है आज हमारे घर में? भिंडी की सब्जी है। वो ये मेरी भिंडी की सब्जी और मेरी छाछ। तो अभी मैं खाना खाऊंगी और फिर मेरे को नानी जी ने मेहंदी भी लगा दी, बोला कि बिना मेहंदी के जाते नहीं। शाम को तो मैं भूल गई थी तो अभी लगा ले, तो फिर मैंने अपनी मेहंदी भी लगा ली, फिर मैंने धो ली और इतनी अच्छा कलर भी आ गया। पहले मैंने यहाँ पर छोटी सी स्माइली बनाई है, देखो आपको दिख भी रही हूँ। फिर मैंने इसको धो दिया, बोला कि थोड़ी सी ज़्यादा लगा ली बेटी, मैंने पूरी कौन दिया है तेरे को। तो फिर मैंने इतना फूल बना लिया, वो भी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर बना लिया नानी जी ने बोला तो। अभी खाते खाना, और इतनी गर्मी गर्मी हो रखी है इधर। अपने बालों का भी जूड़ा बना लूँ फिर मैं, मेरे को बिल्कुल भी मतलब ऐसे क्या बताऊँ, इतना इरिटेट करते हैं ना ये मेरे बाल। तभी तो मैंने छोटे करवा लिए, बट ये जूड़ा भी बार बार खुल जाता है, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए इसलिए। तो अभी ये खेत में मेरे को रुकने नहीं देंगे, ये मतलब मेरा ही वेट कर रहे थे। ताला लगा रहे ना आगे गए। चप्पल ओके। अभी हो जाओ इसमें। अभी शाम हो गई है तो हमें खेत में जाना पड़ेगा, मतलब रिजका लेके आएंगे। वहाँ पर भी तो कटवाती थी ना मैं अपनी मामी जी को रिजका और बाजरा, तो इधर भी कटवाते हैं और फिर देख के आएंगे कितनी बारिश हुई है, कितना पानी भरा है हमारे खेत में, देखते हैं। ये देखो हमारा खुर्रा, इतना पानी इधर से मतलब कट गया है। ये देखो हमारे घर के सामने इतने गड्ढे गल गए, मतलब एकदम से पानी आता है ना, जिसकी वजह से ये सारे रास्ते हमारे ख़राब हो जाते हैं। अभी कैसे बाइक जाए इस रास्ते, बहुत पानी भरता है भाई हमारे खेत में, अभी देखना। इसीलिए हम अपने खेत को डेयरी बोलते हैं, मतलब इतना पानी पानी हो जाता है ना। अरे लल्ला चल रही है इधर तो, लल्ला नहीं वो भेड़, इसको भेड़ बोलते हैं। वो किसी ने एक बार कमेंट किया था ना मैं जब ससुराल में थी तब, कि मैंने मतलब भेड़ों को मैंने लल्ला बोल दिया, तो बोले लल्ला नहीं वो भेड़े होती है भाई, हमें पता है लल्ला और भेड़े अलग अलग नहीं होती। बोर लाग रही है गेड़े है क्या, और अभी बैर लग रहे हैं झाड़ियों के, बताओ। यहाँ पर देख लो गाइस कितना पानी भर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इतना कीचड़ हो रखा है, अगर मेरा पैर इसके अंदर चला गया ना तो। ये देख लो गाइस कितना पानी, ओ तो भर गया बड़ो, इतना पानी पानी भर रखा है यहाँ पर, बहुत पानी भर रखा है भाई। तेज वाली बारिश हुई है, अभी हमारा होद देख के आते हैं हम कितना पानी से भरा है। मेरे को लग रहा है फुल भर गया होगा इतनी देर में तो, क्योंकि इतनी बारिश हुई है वहाँ पर, ननिहाल से ज़्यादा बारिश। मेरा पैर कीचड़ में भर गया भाई, मतलब उधर से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। कितना खाली है मेरे को, होए हो तो हमारा पूरा भर गया, बस मैं इसके अंदर ना गिर जाऊँ, क्योंकि ना मेरे को तैरना नहीं आता और यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं है। अरे पूरा भर गया तो मैं दिखाऊँ आपको, ये देख लो गाइज हमारा खुद पूरा भर गया है। अब हम आराम से बिजारी करेंगे, अब आराम से मतलब धान को पानी पिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि पानी पानी हो गया बारिश का। इसको कैसे डालूँ मैं, अटक गया अभी ना, मतलब रिजके में तो इतना पानी भर रखा है, हम बाजरा काट लेंगे। मेरे को चींटियों ने काट लिया, यहाँ पर बहुत चींटियाँ चींटियाँ हो रखी है। कहाँ
मेरे को तो नहीं दिख रही, मैं मिनक की तरह ही देख रही हूँ। मेरे को बोल रही है मिनका की नाव देख है किधर किधर किधर, ये तो पाइप है इधर है। मुझे तो दिख नहीं रहा यहाँ पर कहीं पर मेरी दाती कौन नहीं, यहाँ पर तो कहीं नहीं है। मतलब ये दांती भी नहीं चाहती कि मैं बाजरा काटूं। कोई नहीं भाई, ऐठे तो रपड़ो ब्रिज रहे हो करो। अगर मैं इसमें मतलब फिसलने वाली है, एकदम ऐसे फिसल पट्टी बन रखी ऐसे, मतलब फिसलने वाली है ये ऐसे। अरे ना ना ना, रुक जा तो। ये देखो गाइस कौन आया है, ये केल देखो मारिया लगेगा। अरे कुल को मम्मी चोंगा पकड़ ले पकड़। अरे आप बता क्या, इसकी वजह से ये केला खुल गया गाइस। अरे बेटे चिल आदमी चिल करवा दे, चिल थोड़ा दिन को मेहमान निकाल दो तू ले। अच्छी शाइनी गाइस दूध निकाल, मत काट दी बाल, बाल निकाल गीता बाल्टी ले दे। कौन आवे भाई, अब तो सड़क बन गई, चाल ले रहा था बाइक। हाँ बक्स दे बद्दी को नहीं, बद्दी को नहीं बक्स दे मुझे। हाँ आए तो बड़ा ही है कहीं चाल। ओ कुर्ते था ना महंगो, रुपया 30,000 दिया है मैं स्कूल ड्रेस का। अति मत पे बुरो लाग जी डे कन्नाड़ा की स्कूल ड्रेस है देगा कोटा के रही है। देख मच्छी लादमी देख प्रमोशन कर रही है तू। देख प्रमोशन थारो स्कूल को, स्कूल को तो मैंने मैंने भी वहीं से कॉलेज किए ना। सब्सक्राइबर 5,000 बढ़ाया वे ओ। ऐसे कैसे है तू लचिका घूमो चीकू, देख चीकू चीकू से हम कितने दिन बाद मिले। अरे चक्कर आ चक्कर आ, देख चीकू आ, देख चीकू चीकू आ, चीकू आओ चीकू, हाय 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 चीकू चीकू ले जी चीकू रोल। तो गाइस अभी हम चीकू के साथ में खेलेंगे। हाँ पूछ पकड़ेगी, पूछ पकड़ पकड़वा दे टने पकड़ ले। हाँ पकड़ ले पकड़ ले, खींच पकड़ अरे पकड़ पकड़ आजा। टाबर की मजबूरी उठा रही है, मजबूरी क्या उठा रही हूँ कत को सूर्य देख लो। पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ पकड़ हाँ पकड़ खींच खींच पकड़ बेटे। उनकी बाहन न जाने कौन की बाहन है हैं, जरा तार के ना हो पा तो मारखन का ना मन जाने क्यों। ठीक है ओ ठीक है ना चिको क्या देख रहा। माँ और भाया उधर बैठे बोल रहे ये लड़की कौन है ना, मेरे को भूल गए क्या भाई इतने दिन में, उतनी दूर जाके तो कौन आए। इतनी गर्मी हो रही है ना है चीकू, तुझे भी गर्मी लग रही है ना। अबे मुंह चाटेगा क्या तो मेरा चिकू। हेलो हेलो कर, अबे सुनता नहीं है मेरी। हेलो कर हेलो कर हेलो कर, ये वाला दे लेफ्ट चिकू, ये वाला दे हेलो। इसको ना थप्पड़ लगाए बिना सुनता नहीं है। हेलो कर हेलो ऐसे, अच्छा बच्चा है। चल आजा, चलेगा क्या उधर हैं चिकू, चलेगा क्या। ये देखो गाइस इसके हेयर मतलब कितने
लगता है अब की बारी कंगी नहीं की इसके बालों में। ये देखो कितने बाल इसके झड़ रहे हैं, इधर से दिखाई देंगे आपको। चिकू बाय बाय, चिकू 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 भाग 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 भाग। तो अभी चलते हैं घर पे, और घर पे जाके खाना वाना बनवाएंगे गीता को, सब्जी भी बनानी है। मतलब अपना घर तो अपना घर ही है, सीरियसली कितना सुकून मिलता है ना अपने घर पे, ऐसा मतलब आज़ादी सी है एक, क्या ही बताऊँ। अभी करते हैं थोड़ा काम वाम, हाथ मुंह धोएंगे उसके बाद में। ये यहाँ पर कौन फेंक के गया है भाई? स्वर्ण कपिला। ये देखो गाइस, इसने अपने बाल कलर करवाए हैं पहले इसके बाल ब्राउन कलर के थे, फिर इसने ब्लैक कलर के करवा लिए। पहले काला या पहले इसके ब्राउन थे पूरा फट है। मैंने इसको बोला कोल्ड कॉफी बना रही हूँ, तब ये आया है घर पे। यहाँ लाइट नहीं है अभी, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया भाई। ले चल वो बनाएंगी ना, लाइट आ रही है तो आ भाई आ, बैठ तो सही तू, कल दिन में बनाएंगे, दिन में आ जाइयो कल। काम रे मारे दिन में ठालो को नहीं, तू तो यही है बेरोजगार। बेरोजगार बेरोजगार हूँ तभी तो यूट्यूब पे लगी रही हूँ ताकि अपना रोजगार चला सकूँ। तू ऐसे ही निटल्ला रहेगा। कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट। अबे तो अभी खाएंगे खाना, अभी मैं एडिट कर दूंगी ना यहाँ से। तो अभी गाइस खाना खाएंगे। कुछ बोलना चाहेगा भाई तू? स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल ड्रेस घर पे क्यों पहन रखी है तूने? कोई कारण फरमाइए। मेरी महंगी है। तो महंगी ड्रेसों को घर पे कौन पहनता है? हम तो शादी के लिए बचा के रखते हैं, बट किसी की शादी नहीं हो रही। तू कब कर?